जाओ जी, मन बीत कराओ जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और बढ़िया शानदार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज काफी दिन बाद ये ब्लॉग आ रहा है, लॉन्ग ब्लॉग, क्योंकि टाइम यहाँ पर ज्यादा मिल नहीं पाता है। और दूसरी चीज क्या है, मैं शॉर्ट ब्लॉग तो खैर अपलोड करता रहता हूँ, और फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी इस समय जयपुर में हूँ। 2-3 महीने हो चुके हैं मुझे, और जयपुर में इंफोसिस में जॉब कर रहा हूँ। आज हमारी है छुट्टी, क्योंकि 23, 24, 25 तीन दिन की छुट्टी, तो आज सोचा कि कहीं घूम के आते हैं जयपुर में। मैंने आमेर फोर्ट नहीं देखा था, तो राजस्थान में आमेर फोर्ट है यहाँ पे जयपुर में, सॉरी, और काफी अच्छा है। तो फिलहाल चलते हैं, मेरे साथ जो जा रहा है वो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अभी तक क्या मैंने व्लॉग में आप मिलवाया नहीं है, ये देखो मोबाइल चला रहे हैं। ये क्या है? हाँ राहुल भाई बताओ, ये बेचारे दो घंटे से तैयार होके बैठे हैं। बताओ कौन तैयार नहीं हो रहा, बताओ तैयार होते हैं तुम लोग भी, तुम लोग कौन, ये मनीष तैयार नहीं हो रहा क्या, मुझे बताओ। तो ये देखो भाई लोग, ये मनीष है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा सीन हो रहा है, सब लोग रेडी हो गए हैं, अब हो गए फिलहाल रेडी सब, अब निकलते हैं। और पलंग लेके आया था इसको, अच्छा तैयार ही नहीं हो रहा था, पर पता नहीं क्या पतंग उड़ा। राजा जी कॉल पे बात कर रहा था यार, तुम समझते नहीं हो। फिलहाल अभी चलते हैं, और आमेर फोर्ट हमने देखा नहीं है, तो देख के आते भाई। और मस्त मस्त मजा आ जाएगा, एंजॉय, एक नंबर, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एक नंबर एंजॉय। भूल छुप ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी। फाइनली गाइस, हम आमेर फोर्ट आ चुके हैं। आप पीछे देख रहे होंगे वीडियो में, पूरा आमेर फोर्ट है ये, और ये दोनों भी यहाँ पर आ गए हैं। बढ़िया है, पूरी हालत ख़राब हो गई, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और आज संडे का नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अभी बाहर है यहाँ पार्किंग का एरिया, और यहाँ पर आप देखो भीड़। ये मेरे सामने जस्ट है आमेर फोर्ट, क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर अलग ही। तो अभी यहाँ से हम फिलहाल आगे गेट है, अंदर से जाएंगे, और वो जो आपको पूरी लाइन दिख रही है, कितनी भीड़ है देखो, ऊपर जा रहे हैं लोग zigzag करके ऐसे, तो पूरा ऊपर तक जाना, फिर देखते हैं अंदर जाके किला कैसा है यहाँ का। और यहाँ से तो कुछ व्यू ऐसा है। तो चले राहुल भाई, चलो भाई चलो, वो ले लें क्या टोपी, कैप, राजस्थानी कैप लेने की सोच रहा हूँ मैं, फिर राजस्थानी, जब थोड़ा फील भी तो आना चाहिए। पगड़ी कितने की भैया? 50 चाहिए हमारे, पहन के देखिए, पहन के। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है, संडे है क्योंकि वो सबकी छुट्टी है, हॉलीडे चल रही है, और यहाँ से एंट्री होगी तो चलते हैं अपन भी अंदर, फिर देखते हैं अंदर चल के। तो गाइस ये देखो, ये किले के अंदर एंटर किया, तो यहाँ पर ये कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ से ऊपर रास्ता स्टार्ट होता है, ऊपर से जाएंगे ऊपर किले पर, और कितना ऊपर जाएंगे वो मुझे भी नहीं पता, वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। चलो कुछ लेना है क्या? नहीं, चूड़ी नेकलेस, चूड़ी नेकलेस भाई साहब। आप चले आठ रंगा जी, किसी ने लिखवाया चोर लव चोर नहीं, मनीष तूने तो नहीं लिखवाया अच्छा तेरे ही है चोर लव चोर नहीं। स्कूल वाले बच्चे भी आए, फिलहाल अभी हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं और यहाँ पर क्या है। अभी टिकट लिया जा रहा है, ये देखो आप टिकट के लिए लाइन देखो, टिकट के लिए लाइन भी आज काफ़ी बड़ी लगी है, लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये देखो ये लाइन है, और राहुल भाई आगे से टिकट ले रहे हैं क्योंकि हम तो यहीं रुक गए। ये गाइस टिकट का वो है चार्ट, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमने टिकट ले लिया है, अरे बाप रे टिकट ले लिया है, यहाँ कबूतर बहुत है। और आज देख रहे हो आप मेला, मतलब एक तरह से मेला है, मेला दिखाओ दर्शकों को, आसपास मेला लगा हुआ है। और टिकट का प्राइस मैं आपको बता दूँ, इंडियन सिटीजन के लिए 102 102 रुपये का टिकट है, और स्टूडेंट्स के लिए अलग, स्टूडेंट्स का कितना था? 22 रुपये। तो फिलहाल आप ऊपर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर क्या है यहाँ पर किले के अंदर। छुप ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, क्यों तर। अभी गाइस फिलहाल हम टिकट चेक करवा के एंटर अंदर किया है हमने, और ऊपर की तरफ यहाँ पर भी एक टेरेस जैसी है, और ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर जैसा कि मैं ये पढ़ के समझ पाया हूँ, ये दीवाने के आम है,
इसके अंदर का मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसका मैं आपको ये देखो वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। ये हिंदी एंड ये इंग्लिश। तो इसमें जो दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार था, जो कि 1589 ईस्वी में बनवाया गया था, वही आकर्षण के लिए बनवाया गया था। जो भी जैसे मंत्री होते हैं, राजा होते हैं, वो सब यहाँ पर बैठक में बैठते थे। और अंदर से जो व्यू है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो अंदर का जो कुछ नज़ारा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि कितना ये पुरानी इमारतें बनी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो आप देख रहे हो ना। कचहरी ऑफिस, उस टाइम पर यहाँ पर कचहरी के ऑफिस थे, जो कि 27 है। आप यहाँ से देख सकते हो, देखने से आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से जो व्यू है ना वो आपको दिखाता हूँ भाई, व्यू चेक करो भाई। फिलहाल हम आगे और बढ़े और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ हम इसके अंदर हम जाने वाले हैं, जो कि है टर्किश बाथ, हमाम बाथ। मतलब यहाँ पर राज परिवार के जितने भी लोग होते थे, महाराजा रानी, सब इसके अंदर स्नान करते थे। और अंदर चल के ये आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि कैसा क्या है। और अंदर से हमने देखा छोटा सा रास्ता है, और ये देखो ये शादी अरे इधर से आए, एक साइड तो बहुत छोटा है। इसके अंदर क्या उस समय दस लोग आपस में बातें करते थे, फोन सिस्टम हुआ करता था, तो कान लगाएंगे ये बाथ टब है, जो कि उस जमाने का है। आप देख सकते हो वैसे बाथ टब है इसमें, मतलब इसमें पानी आता था यहाँ से। ये आप यहाँ रास्ता देख सकते हो, ये बना इसमें पानी से भर जाता था। कितने छोटा सा रास्ता है। गाइस आप देख सकते हो ये एक दीवार है नॉर्मल, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा धीरे से, और उस कोने पे आवाज़ सुनाई देगी। हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं पर शाम का व्लॉग में आपका स्वागत है। आ रही है आवाज, आ रही है। ऊपर भी चलते देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी जालियाँ बना रखी हैं। गाइस हम ऊपर आ गए हैं, जो कि स्नान घर से ऊपर जीने का रास्ता था, उससे होते हुए ऊपर आ गए। सामने है शीश महल, जो कि अब अंदर चल के देखते हैं। वो गाना भी है ना एक, शीश महल संग सूखी रोटी, ऐसे कुछ गाना है। तो ये है शीश महल, इसमें राजाओं के स्पेशल जो गेस्ट होते थे वो अंदर बैठ के डिनर करते थे, अंदर बैठते थे। ये फिलहाल हम आ गए ऊपर, ये है मानसिंह महल है। ये क्या है, कुछ नहीं है। वाओ ब्यूटीफुल। पैलेस ऑफ राजा मानसिंह, ओके भाई ये जीने कैसे हैं? ये मैं कहाँ गया, इतने ऊंचे ऊंचे जीने। गाइस आप देख सकते हो जीने कितने ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पर, मतलब पहले के जीने जो है ऐसे बनते हैं भाई। ये किला तो अंदर के अंदर ऐसे बना हुआ है गाइस।
राजा महाराजाओं के, ये आप देख सकते हो पूरे कमरे में, ज़्यादातर पूरे महल में संगमरमर लगाए, क्योंकि संगमरमर बहुत ठंडा होता है। मैं इस समय भी यहाँ पर इसको टच कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है बर्फ़ के किसी जो सिल्ली होती है उस पर मैं टच कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे है। तो पूरे में संगमरमर, और आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, छोटी छोटी प्यारी सी खिड़की। बट यहाँ पर भी लोगों ने, ये देखो क्या लिख रखा है, ऐसी चीज़ें, ये अपने नाम, महेश लव खुशी अंजू लव। तो ये मतलब इतनी प्यारी चीज़ है, तो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उस पर भी लोग बिगाड़ देते हैं, मतलब कहीं भी कचरा फेंक देंगे। और ये देखो कैसे लिखा था, इससे क्या होता है समझ में ही नहीं आता मुझे। तो ऐसे ग्वालियर का जो किला है वहाँ पर भी लोग ऐसे ही लिख देते हैं। देखने को मिला कुछ अनोखा, जो कठपुतलियाँ होती हैं उसको डांस करा रहे हैं। राजस्थानी कल्चर अलग ही बात है, राजस्थानी कल्चर। तो जैसा कि आपने देखा, ये था आज का ब्लॉग। फिलहाल इस पापड़ के साथ मैं इस ब्लॉग को करूँगा एंड। और ये है मेरे पीछे फोर्ट, जो कि हमने पूरा देख लिया, और आपको भी मैंने अच्छे से वीडियो में दिखा दिया पूरा। तो एक एक चीज़ आपको नहीं दिखा सकता इस ब्लॉग में, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल ये दोनों भी बैठे हैं, कैसा लगा भाई फोर्ट? आमिर फोर्ट बढ़िया लगा भाई। और ये यहाँ से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, राहुल भाई ने कह दिए। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ से नीचे होते हुए बाहर निकल जाएंगे। ये है एग्जिट जहाँ से हम आए थे पहले, यहाँ से हम पहले आए थे। सामने रोड और सामने का व्यू आप देख रहे हो, प्यारा लग रहा है। यहाँ पर पानी, मज़ा है। अगर आप लोग भी जयपुर आ रहे हो या जयपुर के, अगर अभी तक आमिर फोर्ट नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आना, काफ़ी सुंदर जगह है। और इस फिलहाल इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।